बीबीए की छात्रा को पड़ोस की रहने वाली महिला ने चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने जाते समय कार और बाइक से टक्कर भी मारी थी। छात्रा की पिटाई, चप्पल से की पिटाई, टक्कर मारने का आरोप, दहशत में मां बेटी, पुलिस ने लौटाया बैरंग। सबसे पहले आप सीसीटीवी फुटेज देखिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, एक महिला एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बीच रास्ते में खड़ी है। इसी बीच स्कूटी से छात्रा आती है, महिला हाथ लेकर रुकवाती है और फटाक से थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद चप्पल उतारकर पिटाई लगाना शुरू कर देती है। बीबीए की छात्रा प्राची मोबाइल फोन निकालती है और वीडियो बनाना शुरू कर देती है, लेकिन पड़ोस की रहने वाली महिला चप्पल बरसाती रहती है, गाली गलौज भी करती है। देखिए किस तरीके से पिटाई कर रही है। मामला थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी का है। बीबीए की छात्रा प्राची के पिता हरीश कुमार आगरा से बाहर नौकरी करते हैं। अवधपुरी में प्राची और शिक्षिका माँ रेखा कुमारी रहते हैं। ऐसा बताया गया है, पिटाई लगाने वाली महिला नरेंद्र की पत्नी है, पास में ही रहती है। बुरी तरह पीटा, विरोध करने पर चप्पल फेंक कर भी मारी। बचाने के लिए माँ आई, लेकिन इसके बावजूद दबंग महिला चप्पल से पीटती रही। मैं घर मतलब वापस आ रही थी अपनी एक्टिवा से, और ये नरेंद्र अंकल रहते हैं हमारे पड़ोस में, तो उनकी जो वाइफ है उनने मेरे को मतलब रोका बीच में, और बिना मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ना रोक करके पहले एक चांटा मारा, फिर चप्पलों से चप्पल निकाल के चप्पलों से मारने लगी। और हाँ, बहुत मारा, सिर में मारा है और खरोंचा है उनने हाथों में मेरे, मतलब अपने नाखूनों से मारा है मेरे को, और मतलब गालियाँ दी हैं माँ, मतलब बुरी बुरी गालियाँ दी हैं। चप्पलों से मारा है, आप देखो कि पहले सिर में मारा है चप्पलों से, हाथ पे पीठ पे सब जगह चप्पल चप्पल ही चप्पल मारी हैं। मैं अपने यहीं पे आई थी, और सामने शॉप है उसमें सामान लेने गई थी अपने खाने का। प्राची की माँ रेखा कुमारी कहती है, जिस समय पुलिस से शिकायत करने जा रहे थे उस दौरान पहले बाइक से टक्कर मारी गई, उसके बाद कोठी मीना बाजार मैदान के नजदीक कार से टक्कर मारी, जिससे माँ बेटी गिर गई, दोनों के चोटें भी आई हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस ने बैरंग लौटा दिया है। हाँ, मैं गई थी शिकायत करने, मेरी बेटी आ रही थी, तो ये पड़ोस के ही घर की महिला ने इसको चप्पलों से मारा, देखकर मैं भी बाहर गई, क्या बात है, मैंने बहुत रोका, और जब हम जाने लगे मैंने उसको बोला हम तुम्हारी शिकायत करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा थाने जाकर दिखाओ, पुलिस में जाकर दिखाओ, हम पहुंचने नहीं देंगे। फिर हम चौकी नहीं पहुंचने दिया, बीच में कुछ लोगों ने रास्ता रोका, फिर हम जगदीशपुरा थाने के लिए जा रहे थे, तो हमें पीछे से एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी, दो लोग थे, हम गिर गए। उसके बाद फिर हम मीना कोठी के मैदान से कट गया है, वहाँ से जा रहे थे, तो एक कार ने टक्कर मारी, मैं और मेरी बेटी दोनों गिर गए, चोट लगी हैं। फिर जगदीशपुरा थाने पर हम एप्लीकेशन देने गए, लेकिन हम तब से लेके आज तक चक्कर ही चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। हाँ, पुलिस कमिश्नर ऑफिस गए थे, कमिश्नर साहब ने और लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। हाँ, हमें बिल्कुल डर है, क्योंकि दो एक्सीडेंट पहले ही हो चुके हैं, और महिला लगातार धमकी देती रहती है, महिला और उसके पति, आवाज़ आती रहती है घर में से, हमको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। पीड़ित माँ बेटी थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गई हैं, अब पूरी चौकी के भी चक्कर लगा रही हैं, पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पर भी पहुंची, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। दबंग महिला पड़ोस में रहती है, आप खुद देख सकते हैं, दबंग महिला ने रास्ते की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, अपना बगीचा रास्ते की जमीन पर बना रखा है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला कितनी दबंग है, सरकारी जमीन पर कब्जा करना, उसके बाद एक छात्रा की पिटाई लगाना। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।